नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। नमस्ते श्रीमान। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तुम इस ऑर्फनेज का मैनेजर है? जी सरकार, सेवक को लोग मक्खन लाल कहते हैं। मक्खन लाल? यू मीन बटर रेट? कोई नया ब्रांड मालूम होता है। हाँ मिस्टर बटर रेट। जी सरकार। हम यहाँ एक बहुत जरूरी काम से आया है। अगर हम काम से खुश होगा तो तुमको इनाम से खुश करेगा। तो श्रीमान खड़े क्यों हैं आप? बैठिए बिराजिए। शामू के बच्चे। हाँ सरकार। मुँह देख रहा है। अरे श्रीमान के लिए जलपान का प्रबंध कर। जलपान का। रेडी स्टेडी। नहीं बेटे हिलो मत वरना तस्वीर बिगड़ जाएगी। स्माइल। हाँ मालिक आपका टेलीफोन आया है। अच्छा अच्छा बाद में दूसरी लेते हैं। तस्वीर खींचवा रहे हो? हेलो जी मैं बोल रहा हूँ। जवाहरलाल जी आपने हमारा वो तोहफा राय साहब तक पहुंचा दिया। आपने बहुत अच्छा किया। अच्छा देखिए वो सेट कितने का बना था? 5,500 का। तो मैं बाकी की 500 रुपये भी भिजवा देता हूँ। कन्हैया। का है? अरे वाह यार अपने दोस्त का तो होलिया ही बदल गया है। देखा रूपा साले ने बहुत इंतजार करवाया। दादू चल इसका पीछा करते हैं। हाँ, उसका लगते ही उठा लेंगे। हाँ बिल्कुल चल 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 आप निकल। बेटे मैं ठाकुर साहब की दवाइयाँ ले आता हूँ। तब तक तुम टैक्सी रोक लेना। हा? अच्छा क्यों दोस्त क्या हाल चाल है? आप लोग? हेलो तुम्हें रहीम चाचा ने बुलाया। मैं नहीं आऊंगा। चल तो कुकु। चल मैं नहीं चल 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 क्या कपड़े पहने यार इसने। अरे यार क्या जूते भी चकाचक लग रहे हैं। अरे वाह यार ये तो सेठिया निकल रहा है। ला यार जा बंडी तो दे। ऐसा नहीं होता नहीं। कहाँ थे कन्हैया? गायब हो गए थे चाचा जी। माशाल्लाह माशाल्लाह तुम तो बिल्कुल बड़े घर के लौंडों जैसे लग रहे हो। चाचा जी बदमाश लगता है। कुछ ऊंचा हाथ मारा है। चाचा जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मुझे नाना जी के घर छोड़ दीजिए ना। अरे सुनो ना माकुलो सुनो इससे कुछ सीखो। ये कल का आया हुआ लौंडा तुम सबको सबसे बाजी मार ले गया। शाबाश शाबाश कन्हैया तूने 6 दिन में उस बंगले वाले को अपना नाना भी बना लिया। शाबाश शाबाश तू जरूर एक दिन रहीम चाचा का नाम रोशन करोगे। नहीं मैं चोर नहीं बनूंगा। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। मैं दीदी दीदी ये लोग मुझे जबरदस्ती यहाँ ले आए। मैं यहाँ नहीं रहूंगा। मुझे नाना जी के घर पहुँचा दीजिए ना। चाचा इस लड़के को यहाँ कौन लेकर आया है? बेटी वो मैं लाई हूँ। रूपा तूने ऐसा क्यों किया? माधव ने कहा मैं ले आई। क्यों माधव तेरा खसम है क्या? है नहीं तो हो जाएगा। तुझे क्यों जलन हो रही है? तूने तो बहुत दाव पेश लगाए। तेरा कुछ बना क्या? अरे हराम दादी तरह। चाचा इस साले को तो ऐसा ठीक करूंगी कि सारी जिंदगी भर याद रखेगी। चला जा। चल उठे चिनाल उठ। जादी चिनाल काली मार मार कर मारी तो ये समझ नहीं आता है कुछ। बात कर रहा हूँ। अरे मेरे आदमी पे दोए कर दी सारी चीज के लिए काली चिनाल को। अरे बस करना चल बस कर बोला हलकट। पहली औरत जात आराम से बोलते समझते नहीं चिल्ला ना पड़ता हलकट के ऊपर। ऐ चिचा ऐ चिचा
ये कन्हैया की जगह जब 500 रुपए निकले 500। ये मुझे वापस कर दीजिए, ये नाना जी के। फिर तो गॉड का थैंक करो अंकल, ओनली 500 में जान छूटा। क्या मतलब? आई मीन वो बच्चा एक नंबर का फ्रॉड था, पैसा हाथ लगते ही भाग गया, चोर था साला, पैटी चीफ। ये तुम क्या कह रहे हो प्रताप? हम बिल्कुल ठीक बोलते अंकल, वो लड़का आपको हमको सबको फुल बनाया। वो आपका ग्रैंडसन नहीं, एक नंबर का चीटर था। ये देखिए ऑर्फनेज का सर्टिफिकेट, इसमें क्लियर लिखा है कन्हैया शारदा सिस्टर का बेटा नहीं, कोई आशा बाई का छोकरा होता। ये देखो, ये नहीं हो सकता, वो बच्चा ऐसा नहीं, वो बच्चा ऐसा नहीं। आप अब भी बिलीव नहीं करते अंकल? कैसा पाजी लड़का था, चार पैसे के लिए चाचा जी के दिल को कितनी ठेस पहुंचाई उसने। माधु, आप क्या है? मैं बाहर कैसे आऊं? अंदर मेरे से पूछ के गई थी तू? अच्छा चल, वो चोली तो दे, वो पड़ी है तेरे पीछे। अब ये मत बोलना कि चोली बांधना भी भूल गई हूँ मैं। तू कहे तो भूल जाती हूँ। चल चल फुर। अरे छोड़िए बोतल, शराब इधर भी है, आज ही नशा करके देख, एक बार चढ़ा तो जल्दी उतरने वाला नहीं। ए छोकरे, तू मेरी खोपड़ी मत फिरा, मेरी बोतल दे इधर, मेरी बोतल दे। शाम से सारा बदन जल रहा है, जब से तूने कंधे पे हाथ फेरे आग और भी बढ़ गई है। एक बार और हाथ फेरूंगा ना तो अंदर तोड़ दूंगा तेरा हल्का। चल फुट, बहुत हो गया तेरा नाटक। मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं आई हूँ। अरे हम खुड़ा सोना नहीं, रूपा है रूपा, एक बार हाथ थाम के तो देख, तेरे इशारे पे जान दे देंगे। कान खोल कर सुन ले माधो, इतनी आसानी से तेरे काबू में नहीं आएगा, शेर का साथ सिर्फ शेर नहीं दे सकती है, तेरी जैसी लोमड़ी नहीं। चल फुट, सुन, आइंदा कभी इस तरफ आएगी ना दोनों टांगे तोड़ के तेरे गले में टांग दूंगा, समझे? बड़ा शेर बना फिरता है, तू गीदड़ है, सुना, सिर्फ गीदड़। मैं भी तुझे दिखाऊंगी एक दिन माधव, ये लोमड़ी क्या कर सकती है। आ गए ना तू, आ गए। और जाती भी कहां, सोना तो तेरे पैरों की धूल है। धूल ये भंकस तो तू छोड़ दे बस। अच्छी बात नहीं, किसी और को दिल में बसाता भी नहीं और मुझे अपना कहकर अपना बनाता भी नहीं। औरत लोग का सबसे बड़ा लफड़ा यही छे, बात करते बस, बात करते, बात करके मेरा पेट भरेगी या कुछ खाना खिलाएगी मेरे को? अभी लाती हूं। तो जा फिर ला। क्यों दोस्त, काय को खाली पीली भूखा मरने का प्रोग्राम बनाता है? अपनी जिद छोड़ दे, प्रेम चाचा जो बोलते ना तो बात मान ले, सुखी हो जाएगा सुखी। मैं चोरी नहीं करूंगा। चोरी नहीं करेगा ना तो उस्ताद तेरे हाथ पांव तोड़ के रस्ते पर भीख मांगने बैठा देगा, समझा? लेकिन दादू ऐसा क्यों, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, ये लोग मुझे क्यों नहीं जाने देते? इसलिए दोस्त कि तू बाहर जाकर अपन लोग के बारे में सब कुछ बता देगा तो अपन लोग सब अंदर हो जाएंगे, समझ गया ना? मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ दादू, मैं यहाँ के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, तुम चाचा से कहकर मुझे छुड़ा दो ना। कोई फायदा नहीं मेरे दोस्त, ये एक ऐसा कुआ है जो इसमें एक बार गिरा वो मर कर भी बाहर नहीं निकल पाया, उसकी लाश भी यही दफन हो जाती। मेरी बात मान ले दोस्त, अपन तेरे अच्छे के लिए बोलता है, अभी भी चाचा की बात मान ले, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, मैं बात नहीं मानूंगा कन्हैया, मैं चोरी नहीं करूंगा कन्हैया, मैं बात नहीं मानूंगा कन्हैया। माधो, घर पे हो? चलो अच्छा हुआ तुम घर पे मिल गए, वरना बिला बजा परेशान होना पड़ता। अबे आप बड़ा हो,
आधी रात को इस तरह किसी के घर में टोपी लाते हुए घुस जाना शराफत है यार। अरे तो क्या तुझसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा? जरा सोच समझ के बात किया कर। सुना बिटिया, जरा एक प्याली गर्म चाय तो बना दे। हाँ बना दे, इसके बाप के होटल में आया हूँ। बना दे बेटे। रात काफी सर्द है। ए बड़ो, सर्दी लग रही है? एक मार ले ठीक हो जाएगा यार। मैं मुझसे बुढ़ापे में ये गुनाह क्यों करवाते हो? अबे एक और पाप कर लेगा तो तेरे को क्या फर्क पड़ने वाला है यार। देख तू क्या समझता है, हम सबके नर्क के टिकट कटाकर तू सीधा स्वर्ग जाएगा? अबे बुढ़ो, एक टांग तो तेरी कमर के अंदर है, दूसरी केले के छिलके पर है। जितनी मौज कर सकता है कर ले, नहीं तो बाद में बहुत पछताएगा। ले या अल्लाह, सुन रहा है तू? जिनको अपने औलाद की तरह पाला पोसा बड़ा किया, आज वही मुझे दो जख्म ढकेलने पे तुले हुए हैं। अबे आधी रात को क्या एहसान का हिसाब जोड़ने आया क्या? चल बंकस बंद कर, काम की बात कर। हाँ। क्या है? वो शंकर आया था। शंकर, शंकर। वो ये कह रहा था कि वो बंगले वाला काम हो जाना बहुत जरूरी है, कम से कम 15,000-20,000 का हाथ पड़ेगा देवर अलग, और अगर इस बार ये मौका छूट गया तो बहुत देर इंतजार करना पड़ेगा। मगर यार उस काम के लिए कोई अच्छे से लौंडे की जरूरत है, उसका क्या? हाँ लौंडा है ना। कौन? कन्हैया को नहीं देखा तूने? कन्हैया? हाँ? वो क्या इतनी जल्दी तैयार हो गया? अरे नहीं हुआ तो हो जाएगा, और वैसे भी उसे काम पर लगाना बहुत जरूरी है। एक बार वो हमारे जैसा हो गया तो पुलिस में जाने से डरेगा। तो ठीक है, तू उसे मेरे पास भेज दे, ऐसी धुलाई करूंगा साले की, खुद बखुद पार्टी पे आ जाएगा। ना, 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 उसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे क्या है, वो लौंडा सोना से बहुत हिल गया है। एक बार सोना उससे अगर कह दे तो उसका कहना वो कभी नहीं टालेगा। ठीक है, देख काम कर, तो वो लौंडे को तैयार कर दे, सोना वहाँ टाइम पे आ जाएगी। हर किसी नहीं, सोना ऐसा नीच काम हर किसी नहीं करेगी। ए छोकरी, माधव, सोना ने सारी जिंदगी वही किया जो तुमने चाहा, लेकिन आज मैं कन्हैया को चोरी नहीं करने दूंगी। क्या हो, क्या हो, क्या हो? इसलिए कि वह चवन्नी छाप तेरा भाई बन गया क्या? माधव, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, कन्हैया और बच्चों की तरह नहीं है, उसे बर्बाद मत कर माधव, उसे बर्बाद मत कर। सोना, माधव ने बर्बादी के सिवा जिंदगी में कुछ नहीं सीखा, और फिर अब तो बात जिद पर आ पहुंची। जो पूरी नहीं होगी, मैं कन्हैया को चोर नहीं बनने दूंगी, समझे? गुस्सा थूक दो माधव, गुस्सा थूक दो, कोई और रास्ता निकाल लेते हैं हम। नहीं, तो लौंडे को तैयार रख, सोना टाइम पे आ जाएगी। लेकिन तू जा, बोल रहा तेरे को। लेकिन सुनो, सोना को जरा समझा बुझा के। और अबे तू जाता कि नहीं यहाँ से बुड्ढे? मारपीट ने माधो ना सुनने का आदि नहीं समझे, समझी हराम जा। बोल, कन्हैया को लेने जाएगी तू? नहीं नहीं। माधो ना को हां करना चाहता, बोल जाएगी? नहीं जाऊंगी। जाएगी? नहीं जाऊंगी। जाएगी? ये बैठिए, ये देख लो। दीदी, ये निशान, ये माधव ने दी है मुझे। कल रात माधव ने मुझे बहुत मारा,
इसलिए कि मैंने तुम्हें चोर बनाने से इनकार कर दिया था ना, बस इसीलिए। अगर आज तुम काम पे नहीं गए तो। नहीं दीदी, मैं आपको और मार पड़ने नहीं दूंगा। मैं आपका भाई हूं ना, आप पर और अन्याय नहीं होने दूंगा। मैं जाऊंगा दीदी, मैं माधव के साथ जरूर जाऊंगा। कन्हैया, 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 शाबाश, शाबाश। चलो चलो चाचा, चलो चलो चलो।